लेकिन इस समय कथा के दृष्टि से बड़े व्यास हैं, तो इनको यह नहीं कहना पड़ेगा कि समय कम है, ये अपना सामंजस्य कर लेंगे। इसके बाद एक दो शब्द बोलने के लिए मैं अमीय निमाई प्रभु को माइक। माइक में आवाज तो है। ऐसे सुबह गुरु महाराज कथा कर रहे थे तो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का ग्रंथ उनके हाथ में ही रह गया, क्योंकि महाराज बगल में बैठे थे और सेम पोजीशन पर मेरे को बिठा दिए। तो ऐसे मन में स्मृति बहुत है और उससे ज़्यादा मुझको संकोच है, मैं फिर भी आप सबके आशीर्वाद से दो चार वाक्य बोलूँगा। अभी परम पूज्य राधा गोलकनाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर बोले कि कंट्रीब्यूशन जब गिन रहे हैं तो गुरु महाराज के संबंध से जिन जिन को महाराज से प्रचार किए, संस्था में लाए। कई ऐसे भक्त हैं जो संस्था छोड़ के जाने वाले थे मगर महाराज जी की कथा सुनने के चलते संस्था में वापस रह गए, तो उन लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी महाराज के कॉन्ट्रीब्यूशन में ही ऐड होगा ना, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से, चाहे उनकी शिक्षा के द्वारा, चाहे दीक्षा के द्वारा, चाहे उनके स्नेह सौहार्द के द्वारा संस्था में हैं और संस्था में जो भी काम कर रहे हैं तो वो सारा कंट्रीब्यूशन का श्रेय तो जाएगा वहाँ पर। तो बहुत सुंदर ढंग से महाराज कंट्रीब्यूशन काउंट कर रहे थे। गुरु, मैं दो चार बात बोलूँगा। तो गुरु महाराज अपनी कथा में बता रहे थे कि महाराज जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो कल्याण पत्रिका आती थी स्कूल में। तो जन्माष्टमी के आसपास का समय था जब गुरु महाराज पढ़े, उसमें भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक लेख पढ़े जिसमें भगवान की जन्म की लीला का वर्णन था। तो ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं विवर्तन यथा तमो रवे। महाराज पढ़े कि किस प्रकार से वसुदेव जब भगवान श्री कृष्ण को उठाए तो कृष्ण को ढोने से, कृष्ण वाहे, कृष्ण को ढोने से उनके सारे बंधन, उनके सारे जो बाधाएं थी वो दूर हो गई। और वहीं से गुरु महाराज को भगवान के प्रति जो इस प्राकृतिक जगत में इस रूप में आकर्षण हुआ, उनके इस गुण से आकर्षित हुए और पूरे जीवन महाराज उसी भाव में रहते हैं। वो बहुत आशावादी हैं, बहुत आशा रखते हैं। आशा भद समुत कंठा नाम गाने सदा रुचि, कि भगवान की कृपा से सब सफलता मिलती ही है, ऐसा हमेशा रखते हैं। केवल खुद ही भागवत पढ़ने में रुचि नहीं है, वो औरों को भी प्रेरित करते हैं और खुश होते हैं पढ़ते हैं कोई तो। एक बार परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बता रहे थे कि महाराज को गुरु महाराज कभी फ़ोन किए और महाराज फ़ोन उठा नहीं पाए, और दो एक दिन बाद फ़ोन किए, वापस जब कॉल बैक किए तो गुरु महाराज को बोले कि मैं भागवत पढ़ रहा था, कहीं पे कथा करनी है प्रहलाद महाराज की, उसकी तैयारी कर रहा था, तो इसलिए आपका फ़ोन पता नहीं चला। तो गुरु महाराज इसको बुरा नहीं माने हैं कि कैसा शिष्य है, फ़ोन नहीं। महाराज बहुत खुश हुए, अच्छा भागवत पढ़ने के लिए फ़ोन नहीं उठाए, बहुत अच्छा किए, ऐसे ही भागवत पढ़ना चाहिए, फ़ोन वोन कुछ नहीं देखना चाहिए। एक बार गुरु महाराज दिल्ली में थे, कथा कर रहे थे, तो सुबह का समय होगा 10-11 बजे का। तो मैं रूम में था, महाराज मुझे ऐसे बोलने लगे कि देखो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, एक बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो फिर व्यक्ति ना भजन कर पाता ना कुछ सेवा कर पाता। और देखो मेरे को 7-8 साल से, काफ़ी साल पहले की बात है, 7-8 साल से मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इतना बोलने के बाद बोले अच्छा थोड़ा भागवत देना। तो आप देखे होंगे महाराज की आदत है सामने तकिया रख के उस पर भागवत रख के महाराज पढ़ते हैं। तो सुबह 10:30-11 बजे करीब महाराज पढ़ना शुरू किए, शाम को 4-4:30 बजे तक मैं वहीं पर बैठा था, देख रहा था। वो कह रहे मैं कुछ नहीं कर पा रहा और इतना ही कुछ कर पा रहे हैं कि 10:30 बजे से लेके 4 बजे तक पढ़े। उसके बाद मेरे को बोले जब मैं भागवत पढ़ता हूँ तो मुझको शरीर का कुछ याद नहीं रहता। तो आज भी महाराज कितना पढ़ते हैं, एक अंतिम बात बताऊंगा। 2020 में मुझको महाराज जी के रूम में उनकी सेवा का अवसर मिला है। एक दिन की बात है कि रात का समय था, 1-1:30 बजे के आसपास का, तो संतोष कृष्ण वो अंदर सेवा किया करते थे। तब क्या उन दोनों की आपस में बात हुई वो ही लोग जाने।
मगर गुरु महाराज संतोष कृष्ण को बोले कि ध्रुव नारायण को बुलाओ, वो अंदर आएगा। तो मैं अंदर गया, रात का 1 या 1:15 बजा होगा। महाराज बोले ध्रुव नारायण सो जाओ यहाँ पर। तो अब दोनों की आपस में क्या बात थी मुझे नहीं पता। तो वहाँ नीचे गद्दा बिछा था, मैं सो गया, लेट गया वहाँ पर। 5 मिनट बाद गुरु महाराज बोले कि खड़े हो भागवत पढ़ो, मतलब बैठ के भागवत पढ़ो। तो मुझको बहुत आलस आ रहा था और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था मन में, तो मैं नहीं उस समय पढ़ा। मैं बोला महाराज थोड़ा सा आधा घंटा सो के पढ़ूँ। तो उसके बाद आधा पौना घंटा बाद फिर जगा दिए, बोले ध्रुव नारायण चलो पढ़ के सुनाओ। तो मैं फिर कुछ बहाना करके सो गया। ऐसे करते करते मैं 4 बजा दिया, नहीं पढ़ा। जब 4 बज गया तो गुरु महाराज एकदम थोड़ा गुस्से में बोले, तुम्हारे जैसा आलसी आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। अब तो एकदम थर थर काँप रहा था। वापस बाहर गया स्नान वगैरह करके, 5:30 बजे के करीब जब महाराज स्नान वगैरह सब कर लिए वापस आया, तो महाराज से माफ़ी मांगा कि रात को जो हुआ आप पढ़ने के लिए बोले, मैं नहीं पढ़ा और ऐसे सो गया। तो गुरु महाराज बोले देखो विद्यार्थी को कुत्ते की तरह सोना चाहिए, सन्निद्रा, अभी सोए अभी जागे भागवत पढ़ने लगे, अभी सोए अभी जागे भागवत पढ़ने लगे। तो यही फॉर्मूला गुरु महाराज का है। इतना प्रीति है और अत्यंत स्नेह सौहार्द के साथ सब लोगों से। एक है भागवत को जानना और अब उसको कैसे उसको प्रस्तुत करना। तो सुमधुर प्रवचन है, भगवान के गुणों के प्रति बहुत आकर्षण है, भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य उनकी कृपा करुणा भक्तवात्सल्य सब जगह आप देखेंगे। महाराज इन्हीं गुणों का वर्णन हमेशा करते रहते हैं। तो वास्तव में भागवत की व्यक्ति भागवत की योग्यता भी यही है, हरे गुणाशिप्त मति, कि हरि के गुणों में जिसकी मति पूरा लगी हुई हो और उसी भावना में महाराज हमेशा रहते हैं और सब लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। इसीलिए नित्यम विष्णु जन प्रिय, इसीलिए सारे भक्तों को प्रिय है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, हरे कृष्णा। परम पूज्य राधा गोविंददास गोस्वामी महाराज की, परम पूज्य वृंदावन चंददास गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। धन्यवाद ध्रुव नारायण प्रभु। ये पूरा समय महाराज पर ही केंद्रित किए, इसी स्टाइल को ग्रहण करना चाहिए।